गांदरबल में मछली पकड़ने गए तीन युवकों पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। दो युवकों को घायल हालत में वहां के स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया, जबकि तीसरा युवक जिसकी पहचान जावेद अहमद मीर के रूप में हुई है अभी तक लापता है। लापता युवक की तलाश में जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF और वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स की टीम जुटी है। रविवार से लापता इस युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ये जो कल एक एपिसोड यहाँ पर हुआ है, आपको पता होगा कि तकरीबन तीन छोटे छोटे लड़के जिनकी उम्र तकरीबन 20 साल 22 साल के करीब है, जो सारी के वक्त घर से निकले थे और फिशिंग के लिए गए थे, तकरीबन जो नारा नाग धुमेल है वहाँ से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर, बहुत दूर वहाँ पर बताया जाता है कि जो दो लड़के वहाँ पर बच निकलने में कामयाब हुए, उनके मुताबिक यह है कि उन पर भालू ने हमला किया था, जिस हमले में एक लड़का वहाँ पर मारा गया या तो पानी में गिर गया वो। लेकिन पानी में हमने बहुत ढूंढा, वो जो जगह थी जहाँ पर मतलब कोई नहीं जा पाता था। आज मैं सवेरे गया, मुझे फ़ोन आया कल शाम को मैं निकला, मैं वहाँ पर बराबर गया उस पॉइंट पर गया जहाँ से वो नीचे गिरा है, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी हम लगे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ हुआ कि वहाँ पर एक स्केल्टन हमें मिला, जो लगता है, मुझे मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ, वो हमने पुलिस के हवाले किया, जो लास्ट ईयर यहाँ वो एक PhD स्कॉलर मिसिंग हुआ था, तो हमने मतलब अभी हम गेस कर रहे हैं शायद वो उसका स्केल्टन हो सकता है। लेकिन अभी इसमें चल रहा है कि शायद बालू ने हमला किया, दरिया में गिर गया, लोग लगे हैं, सारे लोकल लोग जो है, पुलिस जो है, SDRF है, तमाम लोग लगे हुए हैं, इंशाल्लाह दरिया के दोनों तरफ से ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं और एक दो दिन तक ज़रूर इंशाल्लाह हम इसको रिट्रीव करेंगे, इस डेड बॉडी को। मेरा नाम फिरोज नज़ीर है, मैं रेंज अफसर वाइल्ड लाइफ गांदरबल हूँ। एक कल मॉर्निंग में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, यहाँ तीन लड़के आए हुए थे फिशिंग के लिए, तो उन पर बेयर अटैक हुआ था, तो एक अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है, तो अभी पता नहीं है कि वैसे ऐसा जो दो लड़के हैं उनको कोई बेयर इंजरी तो है ही नहीं, तो अब जो मिसिंग है उसका भी पता नहीं क्या मसला हो गया है। कल से ये ऑपरेशन चल रहा है, अभी तक उसकी कोई इतला नहीं मिली है। ये NDRF है, SDRF है, तो लोकल पुलिस है और वाइल्ड लाइफ वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं SDRF में एज इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा टीम आया है, रेस्क्यू टीम J&K SDRF, तो हमें कल इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ पे तीन बंदे गए थे ऊपर मच्छी पकड़ने के लिए, रास्ते में उनको कुछ हुआ है, क्या पता बालू ने उन पर अटैक किया है या क्या कुछ हुआ है। हमने उधर ऊपर पूरा सर्च किया है, उस साइड में भी बोला था, हमें वहाँ से कुछ बैग मिला था, कल उनको लोकल लोगों को वहाँ पे बैग मिला था, लेकिन हमने उस नाले को भी चेक किया, रस्सी के ज़रिए हम उसको नीचे आए, ग्लेशियर के नीचे भी हमने चेक किया, वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। फिर हम नाले से सीधे ऊपर से नीचे तक आए, तो अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। हम कोशिश करेंगे, जितने दिन भी लगेंगे हम कोशिश करेंगे इस बंदे को ढूंढने की। हमें रास्ते में एक जगह कंकाल मिला है, हमने उसको साथ लाया, हमारे साथ J&K पुलिस भी है, उन्होंने उनके हवाले हमने किया है, SHO कंगन के हवाले, वो भी हम साथ ला रहे हैं।